नमस्कार, मणिगुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। कई बार बेस्ट से बेस्ट फंड और स्कीम चुनने के बावजूद हमारा पोर्टफोलियो नेगेटिव में चला जाता है और इसके पीछे कुछ ऐसी वजहें होती हैं और गलतियां होती हैं जो खराब प्रदर्शन की बड़े कारण बनते हैं। तो आज हम खराब पोर्टफोलियो प्रदर्शन के पीछे की बड़ी वजह आपको बताएंगे और कैसे इन संकेतों को पहचाना जाए इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, हेमंत रुस्तगी सीईओ वाइज इन्वेस्ट और मोहित गांग सीईओ मनी फ्रंट। हेमंत जी और मोहित दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। लोगों का काफ़ी बड़ा कंसर्न ये रहता है कि आखिरकार क्या वजह है इस चीज़ की कि हमारा पोर्टफोलियो पॉजिटिव में नहीं है। हमने वो सब कुछ कर लिया जो एक हेल्दी और परफेक्ट पोर्टफोलियो के लिए करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हमारे पोर्टफोलियो की हेल्थ नहीं सुधर रही है। तो हेमंत जी, आपसे हम शुरुआत करें तो एक एक करके मैं आपसे वजह समझूंगी, लेकिन मुख्य तौर पर ये परेशानी आती कहाँ से है पोर्टफोलियो में किसी तरीके की गड़बड़ी की? देखिए स्वाति, इससे पहले कि हम कारणों की बात करें कि किस तरीके से ये होता है, देखिए हम सभी जानते हैं कि म्यूचुअल फंड जो है काफी एफिशिएंट और काफी सिंपल एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। उसमें काफी सारी ऑप्शंस हैं, डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने की ऑप्शंस हैं, लेकिन एज एन इन्वेस्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम जो अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं उसमें सही तरीके से अपने फंड्स का चुनाव करें, बहुत क्लैरिटी हो कि आपकी एसेट एलोकेशन किस तरह से कर रहे हैं, राइट। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी और काफी बार एज एन इन्वेस्टर हमको लगता है कि शायद तो ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है या उनके पास उतनी काबिलियत नहीं है कि वो हमको अच्छा रिटर्न दे सके, जबकि सच्चाई ये है कि काफी बार ऐसा भी होता है कि हमारे एज एन इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग जो है एक प्रोसेस है, उसमें काफी सारे चैलेंजेस आते हैं जब से आप इन्वेस्टमेंट में शुरू करते हैं और जब तक आपका टाइम हराइजन पूरा होता है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट सक्सेस काफी एक्सटेंड तक, स्पेशली जब हम मार्केटिंग प्रोडक्ट्स जैसे म्यूचुअल फंड है उनकी बात करते हैं, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है आप उन चैलेंजेस को कैसे देखते हैं। तो सबसे पहला कारण मुझे लगता है ये है कि अगर आपने अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से फंड का चुनाव अगर सही नहीं किया है, तो देखिए क्या होता है, म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ऑप्शंस हैं डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने की, चाहे वो इक्विटी हो या डेट हो या हाइब्रिड हो या दोनों का मिक्स हो या कुछ पैसा आपको कमोडिटीज में डालना हो, ऑप्शंस आपके पास बहुत सारी हैं। इक्विटी में 11 कैटेगरीज हैं, हाइब्रिड में 6 हैं, डेट में 16 कैटेगरी हैं। एज एन इन्वेस्टर आपको सही चुनाव चुनना है और आपका जो भी गोल है वो आपके पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए एज एन इन्वेस्टर मैं वेल्थ क्रिएट करना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म में, और अगर मेरे फंड में मैंने डेट फंड और बहुत ही कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड लिए हैं, तो कोई तरीका नहीं है कि मैं अपने इस पोर्टफोलियो से वेल्थ क्रिएट कर सकूं। दूसरी तरफ से अगर मान लीजिए मेरे पास समय 2-3 साल का है और हमें लगता है कि मार्केट बहुत अच्छी कर रही है, चलिए इसका फायदा उठाते हैं, इक्विटी में लगाते हैं, तब क्या होता है, अच्छी मार्केट के बावजूद भी हमने देखा है समय समय पर मार्केट में करेक्शन आती है, और क्योंकि हमारे पास समय नहीं है और हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है तो हमें नुकसान लेना पड़ता है। कभी कभी हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से नीचे चला जाता है करंट वैल्यू, या फिर हमें रिटर्न बहुत कम मिलते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि हम अगर ये डिसअपॉइंटमेंट नहीं चाहते हैं, मिसमैच नहीं चाहते हैं, तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है, सुटेबल जो ऑप्शन होनी चाहिए उसका चुनाव करना बहुत ही जरूरी है, स्पेशली अपने रिस्क प्रोफाइल और टाइम हॉराइज़न को देखते हुए। बिल्कुल, तो आपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हेमंत जी हाईलाइट किया है, वो है निवेश अवधि और आपका जो फंड है या स्कीम है उसके चुनाव को लेकर, क्योंकि साफ तौर पर कैपिटल प्रोटेक्ट करनी है तो आपको डेट की ज़रूरत ही है, लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन के लिए इक्विटी लेना चाहिए, इसका अगर उल्टा करेंगे तो पोर्टफोलियो में तो नुकसान होगा ही, और जो आप डिज़ायर रिजल्ट चाहते थे आपके पोर्टफोलियो से वो इस वजह से नहीं हो पाता क्योंकि आपने की बेसिक गलती कर डाली है। एक और मोहित, जो गलतियां हो जाती हैं वो इसलिए भी हो जाती है, वो एसेट क्लास से जुड़ी हुई ही हैं कि हम सही एसेट क्लास को सही मात्रा में उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, एसेट क्लास का सही मिक्स नहीं होता है। लोगों का मानना है कि हमने बेस्ट से बेस्ट इक्विटी फंड में निवेश तो कर लिया लेकिन फिर भी हमारा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसका वैल्यू इतना अच्छा क्यों नहीं आ रहा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो शायद कुछ ना कुछ तो मिसिंग फैक्टर रहा ही होगा, तो यहां पर क्या गलती हो जाती है? जी स्वाति,
देखिए इसमें अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप का टाइम चल रहा है, तो मैं एक क्रिकेट की एनालॉजी से ही इसे समझाना चाहूंगा कि होता यह है कि जब आप एक टीम बनाना चाहते हैं तो जो आपका पोर्टफोलियो है वो एक टीम के हिसाब से चलना चाहिए। तो उस पोर्टफोलियो में सही मात्रा में आपको बैट्समैन चाहिए, बॉलर चाहिए, विकेट कीपर भी चाहिए, ऑलराउंडर भी चाहिए। अब अमूमन देखने में आया है कि जो लोग मार्केट के उतार चढ़ाव से बहुत डरते हैं वो, और इक्विटी से बहुत ज्यादा कतराते हैं, वो अपने पूरे पोर्टफोलियो को या तो बैलेंस फंड से भर देंगे या डेट फंड से भर देंगे या अपने पोर्टफोलियो में कैश की मात्रा को बहुत बढ़ा देंगे। तो एक तरफ तो वो भी गलत है, दूसरी तरफ कुछ ऐसे निवेशक भी देखने में आते हैं जिन्हें बहुत जल्दी होती है, जिन्हें बहुत सारा रिटर्न बहुत जल्दी बहुत कम समय में बनाना होता है, हालांकि वो मार्केट में पॉसिबल नहीं है, पर वो अपने पूरे पोर्टफोलियो में इक्विटी ही इक्विटी भर देंगे। एक्विटी में भी कुछ ऐसे निवेशक होते हैं जो कि एकदम हाईएस्ट रिस्क वाली एक्विटी सेक्टोरल फंड से अपने पूरे पोर्टफोलियो को, ये स्मॉल कैप चल रहा है तो स्मॉल कैप से अपने पूरे पोर्टफोलियो को भर देंगे। तो अमूमन जो गलती निवेशक करते हैं जिसके कारण उनके निवेश का रिटर्न जो है वो उनकी अपेक्षा से कम रह जाता है, वो ये होती है कि वो सही मात्रा में सही एसेट क्लास का चुनाव नहीं करते हैं। तो कितना इक्विटी होना चाहिए, कितना डेट होना चाहिए, वो कोई एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठकर ही निवेशक को समझना चाहिए अपनी रिस्क प्रोफाइल और अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से। उसके बाद एक्विटी में कितनी मात्रा में लार्ज कैप होना, कितने में मिड कैप होना, कितना स्मॉल कैप होना, ये भी एक बहुत ही आवश्यक क्या बोलते हैं पोर्टफोलियो का बैलेंसिंग फैक्टर होता है। आप सारे पिंच हिटर्स नहीं रख सकते, सारे ऑलराउंडर्स नहीं रख सकते, आपको एक ओपनर बल्लेबाज की जोड़ी यानी लार्ज कैप भी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, और एक लास्ट में जो आए पिंच हिटिंग करे ऐसा स्मॉल कैप या सेक्टोरल एलोकेशन भी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, और जो आपके पोर्टफोलियो को संबल प्रदान करे ऐसा एक डेट फंड या कुछ इमरजेंसी कॉर्पस भी चाहिए। तो जो डाइवर्सिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया है या एसेट एलोकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट है, सभी निवेशकों को चाहिए कि उसे इग्नोर ना करें और उसे पूरी तरह से रेगुलरली फॉलो करें और पीरियोडिक उसको रीबैलेंस भी करते रहे ताकि वो एसेट एलोकेशन उनका बना रहे। बिल्कुल मोहित, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि आपके पोर्टफोलियो में हर एक किस्म के फंड, हर एक किस्म के स्कीम की जगह है जो आपके निवेश के अवधि और आपके जोखिम से मेल खाती हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वन साइडेड या वन साइडेड हैवी जो पोर्टफोलियो है किसी भी एसेट क्लास में, किसी भी कैटेगरी में, हमेशा आपके पोर्टफोलियो के ओवरऑल जो जो आपके जो प्रदर्शन है उस पर डेफिनेटली असर डालेगा ही डालेगा। आइए अब मैं आपसे समझना चाहती हूँ हेमंत जी कि ओवरऑल हमने आम तौर पर ये देखा है जो लोगों की समस्या रहती है पोर्टफोलियो को लेकर, उनका ये मानना रहता है कि हमने अपने लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए प्लान तो कर लिया, जिसमें ज़्यादा तौर पर लोगों के बच्चों की पढ़ाई की प्लानिंग होती है, रिटायरमेंट प्लानिंग होती है, लेकिन निवेश करने के बावजूद और जल्दी निवेश करने के बावजूद उतनी रकम इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं या उतना प्रोजेक्शन नहीं हो पा रहा है पोर्टफोलियो में जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि जाहिर तौर पर आपको करोड़ों की रकम चाहिए बच्चे की पढ़ाई के लिए भी या फिर रिटायरमेंट के लिए भी। क्या वजह है इसकी कि हम सोचते तो हैं कि रिटायरमेंट और बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छी रकम इकट्ठा कर लेंगे लेकिन वो रकम इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, वो मिसिंग फैक्टर यहाँ पर कौन सा है? स्वाति, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो हमने उसके बारे में थोड़ी ऑलरेडी डिस्कशन कर ली है हमने कि अगर आपने अपनी अवधि के हिसाब से अगर आपने एसेट क्लास और फंड नहीं चुने तो ऑब्वियसली आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और बहुत ही कंजर्वेटिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ना तो इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे और जितना कॉर्पस आपको चाहिए, क्योंकि ये जो गोल्स की आपने बात की है, स्पेशली बच्चों की एजुकेशन हो गई या हमारी रिटायरमेंट हो गई, एक तो ये बहुत ही लंबा टाइम होराइजन रहता है और इसमें काफी बड़ा हमको कॉर्पस क्रिएट करने की जरूरत होती है। तो सबसे एक कारण इसका ये हो सकता है कि जो आपके विचार थे या आपके जो ऑब्जेक्टिव थे वो आपके पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। एक तो कारण ये हो सकता है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट हो। दूसरा, ये जो टारगेट सेट करते हैं, कभी कभी क्या होता है, आपने जल्दी शुरुआत कर ली, आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने एसेट एलोकेशन भी सही चुना, फिर भी आपको लगता है डिसअपॉइंटमेंट होती है कि जितना पैसा हमको चाहिए था उतना हम एक्यूमुलेट नहीं कर पाए। आई थिंक उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब आप टारगेट सेट करते हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि टारगेट के हिसाब से, टाइम होराइजन के हिसाब से ही आप डिसाइड करते हो एसेट एलोकेशन और हर महीने कितना पैसा, अगर आप मान लीजिए एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हो, हर महीने कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन
यहाँ पे काफी बार गलती ये होती है स्वाति के जब एक टारगेट सेट किया जाता है तो उसमें इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं किया जाता। अब ये दो इंपॉर्टेंट गोल की अगर हम बात करें, हमारे देश में एजुकेशन इन्फ्लेशन 10 से 12% है, नॉर्मल इन्फ्लेशन 7% आप पकड़ लीजिए, तो अगर आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे अपने टारगेट में तो जो आप कॉर्पस एक्यूमुलेट करेंगे और जितना आपको चाहिए उसमें काफी बड़ा गैप होगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चे की एजुकेशन के लिए, अगर करंट कॉस्ट 25 लाख रुपए की है, 15 साल के बाद पैसा चाहिए तो इन्फ्लेशन को कंसिडर करके वो 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगा। अगर हम रिटायरमेंट की बात करें आज की कॉस्ट में, अगर आपको 1 करोड़ चाहिए तो 20 साल के बाद 7% के हिसाब से आपको 4 करोड़ चाहिए। तो अगर आप इन्फ्लेशन को ये अपने यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे तो आपका जो टारगेट है वो कम होगा, जाहिर सी बात है उसी के मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और उसी के मुताबिक आपको कॉर्पस बनेगा। तो दो इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, एसेट एलोकेशन सूटेबल होना चाहिए आपके टाइम होराइजन से, दूसरा जो आप गोल सेट करें उसमें इन्फ्लेशन को कंसिडर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बड़ी वजह है जिसकी वजह से आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू उतनी नहीं बढ़ती आपको नज़र आती है जितनी सही होनी चाहिए, ओरिजिनली होनी चाहिए। उसका बड़ा बड़ा कारण जो कि हेमंत जी ने बताया वो है इन्फ्लेशन। महंगाई की गणना आप करते ही नहीं हैं, आपको लगता है कि आपका काम बस था निवेश करना, अच्छे फंड में निवेश करना, लेकिन महंगाई जोड़ना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जब हम एक फंड का सिलेक्शन करते हैं मोहित, हमें लगता है कि हमने बेस्ट से बेस्ट एक फ़ंड सिलेक्ट किया है, लेकिन उसके बावजूद वो फ़ंड जैसे उसका ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहा था वैसा प्रदर्शन नहीं दिखा रहा, तो वहीं पर हम सबसे पहले तो मायूस हो जाते हैं। फिर लगता है कि ये तो स्टार रेटेड फ़ंड था, फिर क्या बड़ी वजह हुई कि ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड पर इन्वेस्टमेंट का जो ट्रेंड है या फिर स्टार रेटिंग देखकर इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड है, वो पोर्टफोलियो को कैसे डिरेल करने का काम करता है? जी स्वाति, ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे लिहाज से। तो देखिए, आजकल अक्सर देखने में आया है कि निवेशक पास्ट 1 साल का या 2 साल का रिटर्न देखकर स्कीम का जल्द से सिलेक्शन कर लेते हैं। तो ये जो है, ये जो पास्ट 1 साल का परफॉर्मेंस है वो अक्सर, इनफैक्ट 90% केसेस में मैं कहना चाहूंगा कि वो आगे जाकर वो आपको उतना रिटर्न नहीं दे पाता। इनफैक्ट जो लास्ट ईयर का विनर है वो अगले साल भी विनर रहेगा, ये बिल्कुल भी मार्केट में नहीं होता है। राइट, तो यहां पर चाहिए कि आपको एक अकेली परफॉर्मेंस पर नहीं ध्यान देना है, आपको कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना है। और यहीं पर सबसे ज्यादा चूक करते हैं निवेशक कि वो किसी भी स्कीम की रेगुलरिटी, उसकी कंसिस्टेंसी और उसके पास ट्रैक रिकॉर्ड को एक लंबी अवधि पर नहीं मापते हैं, बल्कि एक बहुत ही छोटा सा आकलन करते हैं कि लास्ट 1 साल या 2 साल का रिटर्न कितना दिया है उस स्कीम में। तो यहाँ पर सबसे आवश्यक बात यह है कि आप स्कीम को लंबी अवधि के नजरिए से देखिए, कम से कम 5 साल या 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखिए। उस ट्रैक रिकॉर्ड में ये मत देखिए कि उसने कितना ज्यादा रिटर्न किस साल में दिया, ये देखिए कि वो कंसिस्टेंटली, क्या वो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स में था कि नहीं, कंसिस्टेंटली क्या उस फंड ने बेंचमार्क को बीट किया या नहीं किया। अगर कोई भी फंड आपको कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है, यानी लगातार अप साइकिल और डाउन साइकिल में उसने अपनी प्रक्रिया को बनाए रखा है, प्रोसेस को फॉलो किया है, तो वो ही फंड है जो आपको अगले 10 साल तक भी विनिंग सिचुएशन में रखेगा। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि 1 साल के लोभ में ना आए निवेशक, 1 साल क्या करे, जल्दबाजी ना करे, किसी भी स्कीम को पूरी समय अवधि दे। आप कोई भी स्कीम को निवेश कर कर उसे 1 साल 2 साल के मापदंड पे मत तोलिए कि उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो अब यहां से निकल कर दूसरी स्कीम में चला जाता हूं, दूसरे से तीसरे में चला जाता हूं, वो बिल्कुल मत करिए। जब भी किसी, फिर से क्रिकेट की एनालॉजी दूंगा, जब भी किसी टीम में आप किसी प्लेयर का सिलेक्शन करते हैं तो उसके लास्ट मैच को देखकर या उसके लास्ट 3 मैच को देखकर नहीं करते हैं। आप उसके पूरे साल के, पूरे लास्ट 2-3 साल के परफॉर्मेंस को, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंट्रीज के सामने उसने कैसा परफॉर्म किया है, किस तरह से उसने खेला है, वो सब देखकर आप उसे सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह स्कीम को भी जब आप लेते हैं, आप रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी देखिए और फिर अपने पोर्टफोलियो में लीजिए। बिल्कुल, तो पिछला प्रदर्शन काफी नहीं है, काफी ऐसे तरीके हैं फंड के चुनाव के, और कम से कम पिछले 1 या 3 साल के फंड के प्रदर्शन के बेसिस पर ही फंड का सिलेक्शन एक सही मापदंड नहीं है पोर्टफोलियो में अच्छे फंड ऐड करने का, जैसा कि मोहित ने भी बताया। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, आगे भी चर्चा जारी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ। तो कर रहे हैं खास
खास चर्चा हमारे साथ हैं हेमंत रुस्तगी और मोहित गांग। समझना चाह रहे हैं कि पोर्टफोलियो बनाने के बावजूद क्यों आप मनचाहा रिटर्न अपने पोर्टफोलियो से नहीं ले पा रहे हैं और उसकी कुछ बड़ी वजहें हैं, रेड फ्लैग्स हैं जिनके बारे में आपको जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। तो ये संकेत कैसे समझे, इन्हीं पर कर रहे हैं खास चर्चा। और इसमें बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो पहलू है हेमंत जी, वो ये भी हो जाता है कि हम निवेश के फैसले कई बार दिमाग की जगह दिल से लेते हैं, भेड़चाल में फंस जाते हैं, इमोशंस हावी हो जाते हैं निवेश के फैसलों पर। वो स्वाभाविक भी है, लेकिन हद से ज़्यादा इमोशन हावी होना निवेश पर काफ़ी ज़्यादा हानिकारक भी हो सकता है। कौन कौन से तरीके के इमोशंस हैं जिससे बचना चाहिए एक निवेशक को? स्वाति, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, जब हम अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली जब हम किसी मार्केट लिंक प्रोडक्ट जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं और उसमें भी अगर हम इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो जब मार्केट में गिरावट होती है, हमें अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नीचे जाती हुई दिखती है, तो ऑब्वियसली घबराहट होती है। लेकिन इस घबराहट से बचने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है। वो प्रोसेस का इंपॉर्टेंट हिस्सा, जैसे हमने पहले बात की, वो एक है आपका कि आप अपनी एसेट एलोकेशन को चुने, यानी लॉन्ग टर्म का पैसा ही आप इक्विटी में लगाएं, ताकि शॉर्ट टर्म में जब वॉलेटिलिटी हो तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर ना आए। दूसरा, जो वॉलेटिलिटी का जो इम्पैक्ट है जिससे आपको घबराहट होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो हमें पता है कि इक्विटी का रिटर्न आपके एसेट क्लास से बेटर रहता है, तो उससे बचने के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आप मार्केट टाइमिंग यानी आप मार्केट के लेवल को देख के इन्वेस्ट ना करें, बल्कि एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करें, जो आज हमारे देश में लाखों इन्वेस्टर्स कर रहे हैं SIP के द्वारा। तो जब आप SIP से इन्वेस्ट करते हो, आपको टाइम बहुत क्लैरिटी है कि कितने साल है। मान लीजिए 10 साल है आपके पास SIP से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो घबराहट ना होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आप अपना फोकस जो है वो गोल के ऊपर रखते हैं, आप उससे डरते नहीं हो। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया या करने के बाद भी आपको घबराहट हुई और आपने अपने प्रोसेस को रोक दिया, एक तो ये कि आपने अपने प्रोसेस को रोक दिया, दूसरा आपने अपनी एसेट एलोकेशन को चेंज कर दिया, यानी जो रिटायरमेंट का पैसा जो इक्विटी में था वो आपने मान लीजिए गिरावट के समय पे निकाल के वो डेट में डाल दिया, तो जब गिरावट हुई तो आपके पोर्टफोलियो में नुकसान हुआ क्योंकि आप इक्विटी में थे, और जब मार्केट ने यू टर्न लिया, जब मार्केट ऊपर गई, तो आपको उसका फायदा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आपने अपनी एसेट एलोकेशन को चेंज कर लिया। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आप अपने इमोशंस को अलाउ करते हैं कि आपके वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को डिक्टेट करें, तब हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। फॉर्चुनेटली इसके लिए, जैसे मैंने कहा, स्ट्रेटजीज हैं, थोड़ी क्लैरिटी के साथ इन्वेस्ट करिए, डिफाइंड टाइम होराइजन हो, एसेट एलोकेशन हो, उसको आप फॉलो करेंगे, तो ये जो गलती काफी इन्वेस्टर्स करते हैं, जो बिना सोचे समझे या बहुत क्लैरिटी के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करके जो गलती करते हैं, उससे उनके पोर्टफोलियो पे काफी बड़ा नुकसान होता है, उस नुकसान से आप बच सकते हैं। बट बाकी मैं एग्री करता हूं कि ये काफी निवेशक ऐसी गलतियां करते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, अच्छी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे इन्वेस्टर्स इसको समझ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये गलतियां उनसे दोबारा ना हो। बिल्कुल, और क्योंकि यहाँ पर इमोशंस या बायस की बात हो रही है मोहित, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो निवेशक होते हैं उनको लगता है कि वो बाजार में निवेश का सही समय चुन सकते हैं, जिसको हम मोस्ट पॉपुलरली बाजार को टाइम करना, टाइमिंग द मार्केट कहते हैं, कि ये जब समय आ जाएगा तब मैं निवेश करना चाहूंगी। तो टाइमिंग द मार्केट के नुकसान क्या हो सकते हैं पोर्टफोलियो के लिए? जी स्वाति, आई थिंक देखिए, सभी निवेशकों को कुछ ना कुछ चीजों से हमेशा जूझना पड़ता है, फाइट करनी पड़ती है, और उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है मुझे लगता है वो मार्केट टाइमिंग का फैक्टर है। अक्सर लोग म्यूचुअल फंड निवेश को ट्रेडिंग समझ बैठते हैं और उसमें उन्हें रोज इन आउट करना होता है, रोज बदलाव करने होते हैं, कभी खरीदना होता है, कभी बेचना होता है। मैंने ऐसे भी निवेशक देखे हैं जो 200 पॉइंट 100 पॉइंट मार्केट में जब मार्केट टूटता है तो बोलते हैं कि चलिए आज पैसा डालते हैं, अपनी सिप रोक देते हैं जब मार्केट 500 पॉइंट बढ़ जाता है उस महीने के लिए। तो ये जो जितने बिहेवियर्स हैं, यही सारे बिहेवियर है जिसके कारण किसी निवेशक का लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो कभी भी उनके इच्छा अनुसार या मार्केट के रिटर्न्स के हिसाब से रिटर्न नहीं दे पाता है। तो यहां पर सबसे बड़ी और सबसे मूलभूत बात यह है कि निवेशकों को चाहिए कि वो कभी भी मार्केट के चाल को पकड़ने की कोशिश ना करें, कभी भी मार्केट की रफ्तार से डर कर ना बैठें, और कभी भी मार्केट की गिरावट पे घबरा कर अपने पैसे को रोके ना। तो यहाँ पर आपको जरूरी है कि एक सिस्टमैटिक तरीके से, रेगुलरली डिसिप्लिन तरीके से आप निवेश करते रहिए,
मार्केट 100 पॉइंट बढ़ेगा भी 100 पॉइंट गिरेगा भी, ये मार्केट की चाल है, मार्केट को वही करना है। बट जब आप एक लंबी अवधि के लिए यानी 10, 15, 20 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो शायद आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने किस लेवल पे या किस स्तर पर मार्केट में एंट्री लिया था। तो यहाँ पर ये बहुत ही जरूरी बात है कि आप मार्केट को T20 के हिसाब से मत देखिए, आप उसे एक टेस्ट मैच के हिसाब से खेलिए और लगातार अपने प्रोसेस को चालू रखिए। एक प्रक्रिया के तहत आप अपने निवेश को अगर करते रहेंगे, और जैसा कहा भी जाता है कि टाइमिंग द मार्केट इज एब्सोल्युटली नॉट इम्पॉर्टेंट, टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो आप जितना समय निवेश के साथ बिताएंगे उतना ही आपका पोर्टफोलियो बड़ा बनेगा और अच्छा बनेगा। उसे टाइम करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए और कभी भी स्तर को चेस करने की कोशिश ना करें। बिल्कुल। और हेमंत जी, कई बार पोर्टफोलियो बनाने के चक्कर में या फिर एक वास्ट बड़ा ग्रैंड पोर्टफोलियो बनाने के चक्कर में उन फंड्स में भी हम कई बार फंसे रह जाते हैं जो अच्छा प्रदर्शन ही नहीं कर रहे हैं, जिनकी शायद हमको ज़रूरत भी नहीं थी। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उन ऐसे फंड से अपने पोर्टफोलियो की सफाई करना, ये उतना ही ज़रूरी है जितना आप अपने पोर्टफोलियो में फंड्स को ऐड करना है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जानने और समझने का जिससे पता चले कि फंड से एग्जिट करने का सही समय क्या हो सकता है? वो कौन से सिग्नल से जिसे हमें पता चले कि यही सही समय है कि इस फंड से निकल लिया जाए? जी बिल्कुल ठीक है स्वाति। आई थिंक अगर हम चाहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो से जिस तरीके के रिजल्ट हमको चाहिए वो मिले, तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, जिस तरीके से हम समय लगा के अपने फंड्स को चुनते हैं उतना ही इम्पोर्टेंट है कि हम उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें। लेकिन यहाँ पे कभी कभी क्या एक्सट्रीम्स होते हैं, एक तो क्या होता है मॉनिटरिंग करना जरूरी है, उसको शायद रीबैलेंसिंग करना भी जरूरी है, उसमें बदलाव करना भी जरूरी है। लेकिन कई बार हमने देखा कि निवेशक रोज के एनएवी देखे, उनको लगता है 1 महीना 2 महीना फंड ने परफॉर्म नहीं किया, चलिए इसको बाहर निकालते हैं, जबकि वास्तविकता में वो फंड काफी अच्छा होता है। तो जब हम ये देखना चाहते हैं या हमें तय करना है कि ये फंड की परफॉर्मेंस अच्छी है तो है या नहीं है, तो दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि बिल्कुल शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के हिसाब से हम ये डिक्लेयर नहीं करेंगे कि ये फंड अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरी बात, आप परफॉर्मेंस कैसे देख रहे हैं, आपका खुद का एक बेंचमार्क हो सकता है या जो पियर ग्रुप है यानी उसी ग्रुप के जो उसी जो कैटेगरी के जो बाकी फंड्स हैं उनकी एवरेज के मुकाबले में आपके फंड ने कैसा परफॉर्म किया। तीसरा ये कि अगर मान लीजिए आप किसी स्मॉल कैप या मिड कैप फंड में हैं उस और जानते हुए कि ये रिस्की है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके पोर्टफोलियो के लिए वैल्यू एडिशन कर सकता है, अगर वो सेगमेंट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो जाहिर सी बात है आपके फंड ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम परफॉर्मेंस को प्रॉपर परस्पेक्टिव में डालें, सही तरीके से इसको कंपेयर करें और उसका कारण जानें, क्योंकि अच्छे से अच्छे फंड मैनेजर के पास भी ऐसा फेज होगा जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो 1-2 क्वार्टर में आप फंड को निकालेंगे नहीं। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि मॉनिटरिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आपका पोर्टफोलियो जो है वो ट्रैक पे रहे और आपको मदद करे आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। लेकिन समय दीजिए, परफॉर्मेंस को प्रॉपर तरीके से आंकिए, उसके बाद ही डिसाइड कीजिए कि आपको वहां से बाहर निकलना है कि नहीं। एक बार ये प्रूव हो गया आपके पैरामीटर के हिसाब से तो फिर आपको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए उसको बदलाव करने के लिए। बिल्कुल। और ये जो नए फंड्स का एक ट्रेंड शुरू हो जाता है मोहित, हम देखते हैं कि एनएफओ का एक पीरियड होता है जब नए फंड्स आते हैं, एएमसीज नए नए फंड्स लॉन्च करती हैं और निवेशकों को लगता है कि क्या यही मौका है एक नए फंड में निवेश करने का और एक अलग किस्म के फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का। तो एनएफओ पीरियड में एक फंड में निवेश करना सही रहता है? स्वाति, आप कहेंगे कि आज मैं फिर से क्रिकेट की एनालॉजी दे रहा हूँ, बट आईपीएल में हर साल बहुत सारे नए प्लेयर आते हैं। आप सबको अपने टीम में शामिल नहीं कर सकते, आप सबको भारतीय टीम में मौका नहीं दे सकते। काफी प्लेयर आते हैं, काफी बार अच्छा भी खेल लेते हैं, बट आपको चाहिए कि आप रेगुलरली पहले उन्हें मॉनिटर करें, आप उन्हें 2-3 साल का मौका दीजिए, उनके ट्रैक रिकॉर्ड को बनने दीजिए, देखिए कि क्या वो आपके लक्ष्य के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में स्थान बना सकेंगे, क्या वो आपके फाइनेंशियल गोल से मेल खाते हैं, क्या आपके एसेट एलोकेशन में वो सही तरीके से बैठते हैं। और अगर ये तीनों चारों मापदंड पर वो सही उतरते हैं, यानी कि उनका प्रदर्शन भी अच्छा है, आपके एसेट एलोकेशन में भी उनकी आवश्यकता है, ट्रैक रिकॉर्ड भी ठीक है, बेंचमार्क को भी बीट कर रहे हैं और आपके फाइनेंशियल गोल्स में आपको सहायता भी करेंगे, तब आप उन्हें अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करिए।
हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे ही नए प्लेयर यानी सारे ही एनएफओ खराब होते हैं। काफी बार कुछ ऐसी थीम आती है जिसकी आपके पोर्टफोलियो को दरकार थी, आवश्यकता थी, बट वो मार्केट में नहीं था। अगर आपके एडवाइजर और आपको लगता है कि वो सही निर्णय होगा कि आप उसे शामिल करें, तो बेझिझक होकर एनएफओ में भी आप निवेश कर सकते हैं। बट मेरा सिर्फ इतना कहना है कि एनएफओ में ये सोच के मत निवेश करिए कि 10 रुपए का फंड है, नया फंड है, इसे ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। म्यूचुअल फंड उस तरीके से नहीं चलते हैं। आप तभी किसी फंड को शामिल करिए जब लॉन्ग टर्म में 10 से 15 साल की अवधि में उसकी आवश्यकता और उसको एसेट एलोकेशन में आप शामिल कर पाएंगे और वो आपके पोर्टफोलियो को बड़ा करने में सहायक हो पाएगा। बिल्कुल। तो कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसी वजह हमने समझी, कुछ ऐसे संकेत जाने जिससे कि आपको पता चल पाए कि क्यों आपका पोर्टफोलियो वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा है जैसा आपने सोचा था। इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको रिटर्न दे पाएगा जैसा आपने सोचा था। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हेमंत जी, मोहित, आप दोनों का करेंगे धन्यवाद। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।